वेलकम बैक टू माई चैनल रिचेश मेरा ब्लॉग और मैं हूँ रिचा। तो आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं दोपहर से, क्योंकि आज मुझे खाना बनाने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई है, क्योंकि अभी बज रहे हैं 1:30 और मैं सोच रही हूँ कि मैं 1 घंटे में खाना बना के कंप्लीट कर दूँ। बट मैंने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि कल हम गए थे मूवी देखने के लिए, तो हमने देखा गदर 2, जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। क्यों, जिन्होंने भी गदर 1 देखी है उनको पता होगा कि गदर 2 की स्टोरी भी सेम टू सेम ही है। बहुत टाइम के बाद ऐसी मूवी देखने को मिली फैमिली वाली, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और गाइज, मैं व्लॉग बनाने वाली थी लेकिन मैं व्लॉग इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि 6 बजे की मूवी थी और मैं निकली थी करेक्ट 5:45 बजे, मीन्स 15 मिनट पहले, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कल टिकट नहीं मिलने वाली है। सो जब तो टिकट मिल गई है तब फिर मैं बहुत जल्दी जल्दी में गई थी। मैंने वहाँ का कोई भी व्लॉग नहीं बनाया है, बट मैं थोड़ी सी उसकी क्लिप वीडियो में डाल दूंगी। और गाइज, एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहती हूँ कि आज हमारे घर में लगने वाला है वाईफाई, क्योंकि वीडियो अपलोड करने में मेरी पूरी जो MB है वो ख़त्म हो जाती है, तो हमें वाईफाई की ज़रूरत पड़ेगी। सो आज हम लगाने वाले हैं घर पे वाईफाई। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं क्या बनाने वाली हूँ, तो मैं बनाने वाली हूँ दाल और मुनगे की सब्ज़ी। लेट हो रही है तो मैं रेसिपी का तो वीडियो नहीं बना पाऊंगी, बट मैं आप लोगों को बता देती हूँ जल्दी जल्दी में कि मुनगे वाली दाल कैसी बनती है। वैसे तो बहुत सारे लोगों को बनानी आती होगी, बट मुनगा दाल बनाना बहुत ही ईजी होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ। तो गाइज, में करना कुछ नहीं होता, जो जो आप दाल तड़के के लिए लेते हैं, लहसुन प्याज टमाटर कड़ी पत्ता और मिर्ची, बस इतना ही यूज होता है। इसमें सिर्फ ऐड करना होता है मुनगा। तो मुनगा की जब आप सब्जी बनाते हैं तो मुनगा को जितना फ्राई करना होता है उतना ही मुनगे को अलग से फ्राई करना होता है, और दाल के जैसे उसे तड़का मार दिया जाता है, और जो बनी हुई दाल रहती है उसको ऊपर से डाल दिया जाता है। तो आप तड़के के बाद ऊपर से दाल डाल देते हैं, उसी तरीके से ये जब मुनगा वाला जो तड़का तैयार हो जाता है तो उसके ऊपर से डाल दी जाती है दाल, तो उसके बाद उसे मिलाने के बाद वो बन जाता है मुनगा दाल। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। और अब मैं मारने वाली हूँ तड़का। जब मेरा मुनगा दाल तैयार हो जाएगा उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये दिखने में कैसा होता है। तो यहाँ पे हमारा दिन का खाना रेडी हो चुका है और मैंने थाली तैयार कर ली है। तो गाइस, पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि किचन की जो खिड़की है ना, वो जब ओपन थी ना तो घर के अंदर ना सांप की मौसी और वो गिरगिट वगैरह घुस जाता था। तो आप देख सकते हो कि आज भी ये खिड़की के बाहर ही है सांप की मौसी, जो कि अंदर आने की कोशिश कर रही थी। हमारे घर के बाहर से बोलबम का नारा लगाते हुए कांवर लेके जा रहे थे सब लोग। अभी बज रहे हैं 8:30 शाम के, और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि दिन में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग आज वाईफाई लगवाने वाले हैं। तो गाइज, मैं बता देती हूँ आपको कि हमारे घर में वाईफाई नहीं लगेगा, क्योंकि जिस एरिया पे हम रहते हैं वहाँ पर जियो और एयरटेल दोनों का ही फाइबर नहीं है आसपास में। पहले तो जियो वालों ने हाँ बोल दिया था, उन्होंने लोकेशन चेक नहीं किया था। जब करेंट लोकेशन भेजे तो उन्होंने बताया कि आसपास में कोई फाइबर है ही नहीं, वो किसी भी कंपनी का वाईफाई लगाना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस एरिया पे एक भी फाइबर नहीं है। वो जब तक कि यहाँ पे आसपास के एरिया में कोई
कोई भी कंपनी का फाइबर नहीं लग जाता, तब तक के हम लोगों का वाईफाई लगाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। तो बस गाइज, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज रिचेश मेहरा ब्लॉग। बाय गाइज।